हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल फार्म। ये एनिमल फार्म टाइटल पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। एनिमल फार्म, एनिमल तो आप लोग को पता है कि जो पशु पशु है उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल। और फार्म का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे पशुपालन हो रहा है, ठीक है, या फिर होता है। सो एनिमल फार्म एक पशुपालन एक जगह है जिसके बारे में जॉर्ज ऑनवेल लिखते हैं, ठीक है। जॉर्ज ऑनवेल जो है वो एनिमल फार्म के राइटर हैं, लेकिन इनका रियल नाम था एरिक ब्लेयर, एरिक आर्थर ब्लेयर। लेकिन ये अपने निक नेम यानी पेट नेम जॉर्ज ऑनवेल से बहुत ही फेमस यानी प्रख्यात थे, जिसकी वजह से अगर एग्ज़ाम में आपको एरिक ब्लेयर आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप लोग को माइंड में रखना है कि जॉर्ज ऑनवेल और एरिक आर्थर ब्लेयर दोनों एक ही इंसान के नाम हैं। तो अगर ऑप्शन में जॉर्ज ऑनवेल की जगह आपको एरिक ब्लेयर मिलता है तो आपको ज़रूर इस पे टिक करना चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं जॉर्ज ऑनवेल के बारे में, जो कि स्पेशली इंडियंस के लिए, भारतीय लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। जॉर्ज ऑनवेल का रियल नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर और उनका जन्म 25 जून 1903 में हुआ था। और उनका जन्म हुआ था मोतिहारी, बंगाल, भारत और इंडिया। मोतिहारी फ़िलहाल ये बिहार में है अभी, लेकिन जॉर्ज ऑनवेल जब पैदा हुए थे तब इंडिया, भारत जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर था, जिसमें बंगाल में 3 स्टेट्स इनगल्फ थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो इसलिए मोतिहारी को बंगाल में दिखाया गया है यहाँ पे। अब जानते हैं उनका डेथ कब हुआ था। उनका डेथ हुआ था, उनकी निधन हुई थी 21 जनवरी 1950 में। और जगह था यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल, लंदन, इंग्लैंड, ठीक है। उनका डेथ हुआ था यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल, लंदन, इंग्लैंड। और उनका एडुकेशन जो है वो ईटन स्कूल में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में है। बाद में उन्होंने एज अ पुलिसमैन बर्मा में भी सर्व किया। बर्मा में भी पुलिस के पोस्ट में रहकर उन्होंने सर्विस दी, और सर्विस का ड्यूरेशन था 1922 से 1927, ठीक है। ही चोज टू लिव अमंग पुअर वर्किंग पीपल इन पेरिस एंड इंग्लैंड। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि इंडिया में भूखे नंगे हैं, लेकिन ये भूखे नंगे और पुअर पीपल जो है, गरीब लोग हैं, वो इंडिया में ही नहीं लेकिन पेरिस में भी है। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, और इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में भी है। तो जॉर्ज ऑनवेल ने क्या चूज़ किया कि वो पुअर वर्किंग पीपल जो हैं उनकी मदद करेंगे, उनके साथ में रहेंगे, उनको समझेंगे, ठीक है। ही वर्कड एज अ टीचर एंड देन एज अ ग्रोसर। पहले वो शिक्षक बने, उसके बाद में ग्रोसर, ग्रोसरर मतलब जो कि ज़रूरत के सामान को बेचते हैं, बिजनेसमैन, ठीक है, जैसे राशन के सामान को बेचते हैं। हिज फर्स्ट नॉवल बर्मिस डेज अपीयर्ड इन 1934। क्योंकि वो बर्मा में कुछ सालों के लिए रहे थे तो उन्होंने वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के एक्सपीरियंस को अपने शब्दों में उतारा, और वो बुक पब्लिश हुआ 1934 में। ही रोट मैनी नॉवल्स, उन्होंने बहुत नॉवल्स लिखे, और उनमें से एनिमल फार्म जो कि पब्लिश हुआ था mid-20s में, बहुत ही फेमस हुआ। ही रोट मैनी नॉवल्स फेमस नाउ ओनली फॉर एनिमल फार्म एंड 1984। ये एक नॉवल है जो कि अभी क्लासिक नॉवल में गिना जाता है, और 1984 ये दूसरा नॉवल है जो कि
बहुत ही पॉपुलर है एरिक ब्लेयर या फिर जॉर्ज ऑर्वेल लेखक जिनके थे। जानते हैं हम लोग नॉवल के बारे में, एनिमल फार्म कैसा नॉवल है और ये किन चीज़ों के बारे में रीडर्स यानी पढ़ने वालों को अट्रैक्ट करता है। एनिमल फार्म इज़ अ नॉवल अबाउट अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हु टेक कंट्रोल ऑफ द फार्म दे लिव ऑन। एनिमल फार्म एक ऐसा नॉवल है जिसमें अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एक एनिमल का झुंड है जो कि ये फार्म में रहते थे और बाद में उन्होंने उस फार्म को कंट्रोल कर लिया, यानी कि इन्हीं एनिमल में से कुछ एनिमल्स लीडर्स बन गए। ठीक है, एनिमल फार्म इज़ अ नॉवल अबाउट फ्रीडम, रिबेलियन एंड द करप्टिंग नेचर ऑफ पावर। एनिमल फार्म ऐसा नॉवल है जो बात करता है या फिर हम लोग को दर्शाता है फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम कितना ज़रूरी है और इंसानों में ही नहीं लेकिन एनिमल्स में भी ये फ्रीडम की ललत जो है वो रहती है। और ये फ्रीडम पाने के लिए रिबेलियन, ये रिबेल करते हैं यानी बगावत करते हैं, एंड द करप्टिंग नेचर ऑफ पावर, जिसके पास पावर है वो मिसयूज़ करेगा ही और जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है वो करप्शन एब्सोल्यूटली करेगा, यानी कि मैक्सिमम लेवल पे करेगा। पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये जो फ्रेज है इसको प्रूव करता है एनिमल फार्म नॉवल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, आगे बढ़ती हूँ। द एनिमल्स गेट फेड अप ऑफ देयर मास्टर फार्मर जोन्स सो दे किक हिम आउट। ये एनिमल फार्म में जो एनिमल्स को गवर्न करते थे, एनिमल्स को कंट्रोल करके वो फार्म में जो रखते थे उसका नाम था फार्मर, किसान जॉन्स। ओके, जॉन्स उसका नाम था, लेकिन जब एनिमल्स फेड अप हो गए उसको लात मार के उन्होंने फार्म से भगा दिया क्योंकि उनका कहना था कि ये उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। ये जॉन्स जो है वो इंसान था और इंसान एनिमल्स को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहा, उनकी देखरेख अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से सभी एनिमल्स मिलके इसको किक आउट कर देते हैं, बाहर भगा देते हैं। वंस दे आर फ्री ऑफ द टायरेंट जॉन्स, टायरेंट मीन्स जो कि बहुत ही रूड है, जो कि कंट्रोल करता है, जो कि निर्दय शासक है। ठीक है, लाइफ ऑन द फार्म इज गुड फॉर अ वाइल। जब फार्मर जॉन्स को लात मार के उन लोग भगा देते हैं तो कुछ समय के लिए एनिमल्स के पास अच्छा वक्त व्यतीत करने के लिए होता है, जिनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जिसको जो खाना है खाते हैं, जिसको जहाँ घूमना है घूमते हैं, तो कुछ समय के लिए उन लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। एंड देर इज़ होप फॉर अ हैप्पियर फ्यूचर ऑफ लेस वर्क, बेटर एडुकेशन एंड मोर फूड। अब उन लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट अच्छा है उनका, हाल फिलहाल का समय उनका अच्छा गुजर रहा है तो आने वाला वक्त भी अच्छे से गुजरेगा, जिसमें काम कम होंगे, लेस वर्क, दे विल हैव लेस वर्क। ठीक है, और बेटर एडुकेशन, अभी फ़िलहाल एडुकेशन का नामो निशान नहीं है तो आने वाले समय में जो एनिमल्स हैं उनके बच्चों को अच्छा एडुकेशन मिलेगा और वहाँ पे खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सोचते हैं सभी एनिमल्स, कब, जब उन लोग ये फार्मर जोन्स को बाहर भगा देते हैं उसके बाद। ठीक है, However, trouble brews as the pigs, Napoleon and Snowball fight for the hearts and minds of the other animals on the farm. लेकिन वैसा नहीं होता जैसा animals ने सोचा था। वहाँ पे क्या problem create हो जाती है, Napoleon और Snowball, ये दोनों जो pigs हैं, सुअर हैं, ठीक है, वो animal farm में जहाँ पे बहुत सारे animals रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे दो पावर्स, ठीक है, इमर्ज हो जाते हैं, यानी कि क्रिएट हो जाते हैं और उनका नाम है नेपोलियन और स्नोबॉल। दोनों चाहते हैं कि अब फार्मर जोन्स तो नहीं है तो एनिमल फार्म को कंट्रोल करने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, तो नेपोलियन चाहता है कि मैं बनूँगा लीडर और स्नोबॉल चाहता है कि मैं बनूँगा।
तो ये दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। वहाँ के जो भी एनिमल्स हैं उनके हार्ट्स और माइंड में कंट्रोल करने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेपोलियन सीजेस पावर बाय फोर्स एंड एंड्स अप एक्सप्लोइटिंग द एनिमल्स जस्ट एज फार्मर जोन्स हैड डन। ना पहले उन्होंने उनको एनिमल फार्म में क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पे एनिमल को गवर्न करने के लिए एक इंसान था, वो इंसान का नाम था फार्मर जोन्स, ठीक है। लेकिन अभी नेपोलियन जो चाहता है लीडर बनना, वो पावर में आ जाता है। लेकिन इवन दो ही वॉज एनिमल, नेपोलियन एनिमल होने के बावजूद भी एनिमल के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं करता। उसको जस्ट पावर चाहिए था, वो पावर उसको मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में उसने एनिमल्स का शोषण करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो फार्मर जोन से डिफरेंट था, डिफरेंस कुछ नहीं था, बस जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब भी चलने लगा, एक्सप्लोइटेशन ऑफ एनिमल्स इन दैट एनिमल फार्म। लेकिन चेंज एक ही है, अब इंसान के जगह एनिमल को एनिमल ही रूल कर रहा है, एनिमल का नाम है नेपोलियन, ठीक है। आप लोगों को ये याद करना है कि एनिमल फार्म एलिगोरिकल नॉवल है, एलिगोरिकल स्टोरी है, जिसमें जो स्टोरी हम लोग बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसको रशियन रिवॉल्यूशन के साथ रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके बारे में भी मैं बात करूँगी कि कौन क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द नोवल एंड्स विद द पिग्स बिहेविंग एंड इवन ड्रेसिंग लाइक द ह्यूमंस द एनिमल्स ट्राइड टू गेट रिड ऑफ इन द फर्स्ट प्लेस। नोवल में एट द एंड, अंत में क्या होता है, उन लोगों को पिग्स यानी कि एनिमल्स खुद गवर्न करने लगते हैं, पहले की तरह जो कि उन लोग इंसान के अंडर में थे, अभी एनिमल्स के अंडर में रहते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं जिन्होंने वादा किया था कि आप लोगों का जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा, एडुकेशन मिलेगा, फूड मिलेगा, लेस वर्क होगा, वो कोई फुलफिल नहीं करता। यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस होता है कि एनिमल्स अब ह्यूमन बीइंग जैसे हो जाते हैं, ठीक है। पहले इन्हीं एनिमल्स का कहना था कि ह्यूमंस अच्छे नहीं हैं, ह्यूमंस सेल्फिश है, ह्यूमंस एनिमल्स का जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे मिल्क हुआ, जैसे हार्ड वर्क उन लोग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं, तो ये एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं और उनके रिटर्न में एनिमल्स को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब एनिमल्स गवर्न करने लग जाते हैं, एनिमल्स लीडर्स बन जाते हैं, तब भी कुछ चेंज नहीं होता। जो भी लीडर्स बनते हैं उनको दे आर लाइकली टू एक्सप्लॉइट अदर एनिमल्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा पाई। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो नोवल एनिमल फार्म है इसका डायरेक्ट कनेक्शन है रशियन रेवोल्यूशन के साथ। और एनिमल फार्म जो कि लिखा गया था 1945 में बाय जॉर्ज ऑनवेल, ये एक एलिगरी है। एलिगरी मीन्स जिसको एनिमल सिंबलाइज करते हैं कुछ लीडर्स को, जो सिचुएशन है वो पूरा रिप्रेजेंट करता है रशियन रेवोल्यूशन को, ठीक है। तो ये एक सिंबोलिज्म हो गया जिसको हम लोग कहते हैं एलिगरी। इवन दो इट इज सेट ऑन अ फार्म एंड स्टार्स अ कास्ट ऑफ फार्म एनिमल्स, ये एनिमल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लीडर्स को, जैसा कि मैंने बताया। इट रिफ्लेक्ट्स द इवेंट्स ऑफ रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917। द एनिमल्स आर ऑल क्लेवर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रशियन पॉलिटिशियंस। उस वक्त के पॉलिटिशियंस जैसे ट्रॉट्स्की और कार्ल मार्क्स, ठीक है, स्टेलिन, ये जो रिनाउंड लीडर्स थे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और वोटर्स रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल्स और वर्कर्स एज वेल, जो कि लीडर्स के अंडर में बहुत काम करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता। ऑर्वेल यूज्ड द नोवेल टू मेक हिज ओपिनियंस ऑन रशियन लीडर्स हर्ड।
Animal Farm by George Orwell is an allegory of the events of the Russian Revolution of 1917. It deals with the ideas of freedom, rebellion and the corrupting nature of power. यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, जॉर्ज ऑर्वेल डायरेक्टली ये नहीं बताते कि ये गलत है वो गलत है, वो ये नहीं बोलते, वो इनडायरेक्टली थ्रू एनिमल फार्म, थ्रू एनिमल्स वो बताते हैं कि कोई भी लीडर आ जाए लेकिन कॉमन पीपल के लिए कोई कुछ नहीं करता। जैसे ही पावर में आते हैं वो अपना जेब भरना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम ही लोगों से कोई हो जिसने कॉमन पीपल का दुख झेला है, दुख देखा है। वो चाहते हैं कि चेंज करें लेकिन जैसे ही उनके हाथ में पावर आता है तो वो 360 डिग्री चेंज हो जाते हैं और अपना ही महल बनाने में लग जाते हैं। तो वही रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल फार्म के एनिमल्स। और ये जो नॉवल है वो फ्रीडम पे बेस्ड है कि जो कॉमन पीपल है वो बहुत सब सब्जुगेट हो चुके हैं डिफरेंट लीडर्स पे, तो उनको फ्रीडम चाहिए, उनको रिबेलियन करना है, उनको जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट में वॉइस उठाना है, आवाज़ उठानी है, ठीक है, बगावत करना है उनको। करप्टिंग नेचर ऑफ पावर, जो पावर में आते हैं, जो मिसयूज़ करते हैं, मैल प्रैक्टिस करते हैं पावर का, उनको उनके अगेंस्ट में जाना है, ठीक है। तो ये नॉवल में हम लोग को ये सब मिलता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एनिमल फार्म जो नॉवल है उसके कैरेक्टर्स, यानी जो भी इसमें किरदार अदा करते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं, ताकि जो स्टोरी है, मेन स्टोरी है, वो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए। लेट्स स्टार्ट। द कैरेक्टर्स इन एनिमल फार्म कैन बी स्प्लिट इनटू थ्री ग्रुप्स। जो कैरेक्टर्स है जो यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ह्यूमंस यानी इंसान, नेक्स्ट पिग्स यानी कि सुअर, और बाकी के एनिमल्स। इसमें डोंकी भी है, इसमें और भी एनिमल्स हैं जैसे हैन, रैवन एक्सेट्रा, ठीक है। तो बाकी सब एनिमल्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आइडियली इसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, द ह्यूमंस आर द विलन्स, थॉटलेस एंड नेगलेक्टफुल। यहाँ पे जो ह्यूमंस है उसको विलन दिखाया गया है। विलन क्यों? क्योंकि ह्यूमंस इनसेंसिटिव होते हैं, एनिमल्स को एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, उनका एक्सप्लोइट करते हैं, वो थॉटलेस हैं, एनिमल्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं कि इसको कम खाना मिल रहा है, इसको वर्क ज़्यादा हो रहा है, इसको हम लोग एक्सप्लोइट कर रहे हैं, कुछ नहीं। और जो भी दुख दर्द है वो एनिमल का वो नेगलेक्ट करते हैं, वो देखते ही नहीं है कि इसको चोट लगी है तो इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है या फिर कुछ और। तो ह्यूमंस एज अ विलन्स यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द पिग्स आर स्कीमिंग, क्लेवर एंड फोर्सफुल एंड रिप्लेस द ह्यूमंस एज विलन्स। अब क्या होता है कि पहले तो बोला कि ह्यूमंस विलन्स हैं, लेकिन कुछ पिग्स, हैंडफुल ऑफ पिग्स, ठीक है, उनको जब पावर मिल जाता है तो उन लोग भी षड्यंत्र करने लगते हैं, वो भी बहुत चालाक बन जाते हैं और अपना फोर्स यूज़ करते हैं, और ये सब की वजह से उन लोग भी विलन बन जाते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। The other farmyard animals are trusting, passive and hardworking. They are the heroic victims of the novel. यहाँ पे देखने लायक क्या चीज़ है, जो animals trust करते हैं pigs के ऊपर, Napoleon and Snowball specially, okay? इन पे believe करते हैं, वो dismay हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो trustworthy नहीं है। ये जो pigs हैं, Snowball और नेपोलियन, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो ये जो बाकी एनिमल्स है उसके लिए कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है कि जो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स है, जो बचे हुए एनिमल्स है, वो विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है, वो विक्टिम बन जाते हैं ये पावर ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। ट्रांजिशन मीन्स एक हाथ से दूसरे हाथ में पावर जाना। अभी क्या हुआ, फार्मर जॉन के हाथों में पावर था, उसको पिग्स ने ले लिया, यानी कि सुअरों ने ले लिया, अब
वो शिफ्ट होने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आया, इसलिए वो विक्टिम बन गए, जो बाकी एनिमल्स थे वो विक्टिम बन गए। ईच ग्रुप रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन में क्लास डिस्टिंक्शन थे, उसमें स्ट्राटास थे जो कि बहुत रिच थे, जो मिडिल मैन थे, और जो लोअर स्ट्राटा के लोग थे। तो इन सभी को इक्वलाइज करना मोटिव था रशियन रेवोल्यूशन का, लेकिन ये हो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि उनका मिशन था कि इक्वालिटी स्प्रेड हो। लेकिन जैसे ही वो पावर में आए, जिन्होंने ये प्रीच किया था कि एवरीबडी शुड बी इक्वल, वो दे कुड नॉट लिव अप टू देयर वर्ड्स। वो अपने बातों के अनुसार काम नहीं कर पाए क्योंकि उनको पैसा और पावर ने करप्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रोटैगोनिस्ट, यानी कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं नॉवल में, उन लोगों के नाम। मेन कैरेक्टर्स हैं, सी इसको भी जो नॉवल में प्रोटैगोनिस्ट है उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग मेन कैरेक्टर्स और सेकेंडरी कैरेक्टर्स में, और भी वहाँ के सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है ओल्ड मेजर, देन नेपोलियन, स्नोबॉल, बक्सर, मिस्टर जोन्स, स्क्विलर, बेंजामिन, क्लोवर, द डॉग्स, द हैन, मोली, मॉसेस, द यंग पिग्स, द शिप, द पिल्किंटन, नेक्स्ट मिस्टर फेडरिक, नेक्स्ट मिस्टर विम्पर, एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग मेन कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जो कि ओल्ड मेजर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हर कैरेक्टर को एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले है ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर कौन है? एक बोर है। बोर मतलब वाइल्ड पिक, ठीक है, वाइल्ड पिक। सिर्फ अगर पिग हो तो इसको हम लोग डोमेस्टिकेटेड पिग की कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन जब इसको बोर बोला जाए तो इसको वाइल्ड पिग कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो कि डोमेस्टिकेटेड नहीं है, जिसको घर में रख के ट्रेन नहीं किया है। जैसे डोमेस्टिकेटेड मतलब जैसे हम लोग गाय को डोमेस्टिकेट करते हैं, कुत्ते को डोमेस्टिकेट करते हैं, बिल्ली को भी करते हैं, ठीक है, वैसे ही अगर सिर्फ पिग हो तो डोमेस्टिकेटेड में कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर बोर है तो वो जंगल का सुअर है, जंगली सुअर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि ओल्ड मेजर जो है वो बोर है, ठीक है, जंगली सुअर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एनिमल फार्म में। ही गैदर्स ऑल द एनिमल्स टुगेदर इन द बिग बार्न टू मेक अ स्पीच। नाउ ये जो बार्न है वो एक जगह है जहां पे कि खाने पीने की चीज रहती है, तो वहां पे ओल्ड मेजर सब एनिमल्स को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्पीच देना है। क्यों स्पीच देना है? क्योंकि उस जगह पे अब मिस्टर जोन्स नहीं है, फार्मर जोन्स नहीं है, तो जो एनिमल्स है वहां पे उसको गवर्न करने के लिए एक लीडर की जरूरत है, इसलिए वो स्पीच देना चाहते हैं। वो स्पीच में क्या कहते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ही टेल्स द एनिमल्स दैट मैनकाइंड एंड मिस्टर जोन्स आर द एनिमी। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि मिस्टर जोन्स, वो सब एनिमी है। दैट मीन्स एनिमल्स के दुश्मन है कौन? ह्यूमन बींग्स यानी इंसान। इट इज देयर फॉल्ट दैट द एनिमल्स लिव सॉरी एनिमल्स लाइव्स आर मिजरेबल। ये बहुत ही दुखद है और ये गलती है, जो कि एनिमल्स बहुत ही दुखदाई, दर्दनाक स्थिति में है। ही पॉइंट्स आउट हाउ क्रूएल द मेन आर टू द एनिमल्स, कंज्यूमिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग। नाउ ओल्ड मेजर यानी कि वाइल्ड बोर का कहना क्या है कि ये बहुत ही दुखदाई सिचुएशन है जिसमें एनिमल्स काम करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स कोई काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं एनिमल्स से, और जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीजें उन वो बना के निकालते हैं वो कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ही सेज दैट वन डे अ रिबेलियन विल कम, द एनिमल्स विल
ओवरथ्रो मैनकाइंड एंड लिव इन हार्मनी। ये ओल्ड मेजर क्या स्पीच देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी एनिमल्स ह्यूमंस को बाहर खदेड़ देंगे और सभी एनिमल्स मिलके हार्मनी में मिलजुल के बिना लड़ाई किए रहेंगे। ठीक है, तो वो इस स्पीच में ये बताते हैं सभी एनिमल्स को। ओल्ड मेजर इज वेरी इंटेलिजेंट, वेल रिस्पेक्टेड एंड एक्सलेंट स्पीकर एंड एन इंस्पिरेशन टू द एनिमल्स। ये ओल्ड मेजर जो है, ओल्ड बोर जो है, वो बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है, और सभी एनिमल्स इनको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक्सलेंट स्पीकर है। जो ओरेटरी स्किल्स है, जो बोलने की कला है, वो ये वाइल्ड बोर में बहुत ही ज्यादा है, जिससे कि जो बाकी जो एनिमल्स है ये सुन के वो इंस्पायर हो जाते हैं, वो और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं ये ओल्ड मेजर को। ठीक है, लेकिन एक गलती यही है इनका, ये बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो एक्शन में नहीं लाते। ठीक है, ही ओनली प्रीचेस बट नेवर प्रैक्टिसेस। ही एंड्स हिज स्पीच बाय टीचिंग द एनिमल्स अ सॉन्ग कॉल्ड बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो वो स्पीच को एंड करते हैं ये बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि बहुत ही फेमस था उस वक्त, इस गाने के साथ। इट इज अबाउट टाइम व्हेन एनिमल्स आर फ्री एंड ह्यूमंस आर ओवरथ्रोन। ये उस वक्त स्पीच देते हैं जब एनिमल्स फ्री हैं, उनको उनका लीडर कोई नहीं है। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स, इंसान को उन्होंने लात मार के एनिमल फार्म से भगा दिया है। ही डाइज शॉर्टली आफ्टर गिविंग हिज स्पीच एंड द अदर पिग्स टेक व्हाट दे लर्नड फ्रॉम हिम एंड क्रिएट एनिमलिज्म, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनिमल्स टू लिव बाय। यहाँ पे एक घटना घट जाती है कि स्पीच के बाद ही ओल्ड मेजर का देहांत हो जाता है, ही डाइज। ठीक है, अब बाकी जो एनिमल्स थे वो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और इंसान को भगा के एनिमल के रूल्स को वो सेटअप करते हैं। एनिमल्स का रूल क्या था, सभी इक्वालिटी में रहेंगे, लेकिन वो इक्वालिटी लाने के लिए भी उनको कोई लीडर की जरूरत थी। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। ओल्ड मेजर इज पार्टली बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन। ये जो दो एमिनेंट लीडर्स थे रशियन रिवॉल्यूशन के, बहुत ही मुख्य लीडर्स यानी कि नेता थे रशियन रिवॉल्यूशन के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड मेजर। ये दोनों की क्वालिटीज ओल्ड मेजर में थी। कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर हु लिव्ड ड्यूरिंग 19th century। कार्ल मार्क्स कौन थे, वो एक जर्मन फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे, जो कि 19th century में उन्होंने किरदार निभाया था। ठीक है, हिज आइडियाज फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म। हिज आइडियाज आर कलेक्टिवली नोन एज मार्क्सिज्म, लाइक एनिमलिज्म इन द नोवेल। अब जो एनिमलिज्म सेटअप किया ओल्ड मेजर के डेथ के बाद, वो हम लोग रिलेट कर सकते हैं मार्क्सिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स का आइडिया था, और वो रिप्रेजेंट, ये एनिमलिज्म रिप्रेजेंट करता है कम्युनलिज्म को भी। ही डेवलप्ड थ्योरीज ऑन हाउ पावर स्ट्रक्चर इन सोसाइटी कीप पीपल अंडर कंट्रोल। कार्ल मार्क्स ने बताया था कि जो डिफरेंट स्ट्राटाज ऑफ पीपल हैं, जिनका जो स्टेटस है उसी के अकॉर्डिंगली उनको पावर मिलता है। जो रिच है उनको ज्यादा पावर है, जो पुअर है उनको ना के बराबर पावर है उनमें। व्लादिमीर लेनिन वाज अ रशियन रिवॉल्यूशनरी हु एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म इन रशिया इन अर्ली 20th century। नाउ व्लादिमीर लेनिन, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन के एक पात्र थे, उन्होंने मार्क्सिज्म थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, एस्टैब्लिश किया था, और वो उस समय लागू हुआ था जब 20th century का समय था। लोग आगे बढ़ते हैं नेपोलियन के, और नेपोलियन इन एनिमल फार्म। ठीक है, नेपोलियन इज अ थ्रेटनिंग एंड फियर्स लुकिंग
बर्कशायर बोर, ये भी एक बोरी है, वाइल्ड पिगी है नेपोलियन, ठीक है। और उनका फीचर जो अपियरेंस है वो बहुत ही फियर्स है, डरावना है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द थ्री पिग्स दैट टेक ओल्ड मेजर्स आइडिया एंड टर्न देम इनटू एनिमलिज्म, अ सिस्टम ऑफ थॉट दैट एनकरेजेस द एनिमल्स टू रिबेल। नाउ अब ओल्ड मेजर के बाद नेपोलियन लीडर बनना चाहता है और वो एनिमलिज्म स्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है। इसके लिए सभी एनिमल्स को वो एनकरेज भी करता है कि नहीं, हम लोगों को एनिमल राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, हम लोगों को जो ह्यूमन बीइंग्स ने टॉर्चर किया उसको हटाना है, ठीक है। ही इज नॉट अ गिफ्टेड स्पीकर बट इज नोन फॉर गेटिंग हिज ओन वे। वो मेजर ओल्ड मेजर की तरह तो नहीं है जो कि गिफ्टेड स्पीकर थे, बल्कि उनको पता है कि क्या कैसे मैनिपुलेट करके उनको स्पीच देना है और एनिमल्स को अपनी ओर खींचना है, ठीक है। ही ऑल्सो मैनेजेस टू गेट द सपोर्ट ऑफ द शीप। ही एनकरेजेस देम टू चैंट फोर लेग्स गुड टू लेग्स बैड। फोर लेग्स मतलब एनिमल्स आर गुड, टू लेग्स दैट इज ह्यूमन बींग्स आर बैड। ड्यूरिंग डिबेट्स प्रिवेंटिंग अदर्स मेकिंग देयर पॉइंट। अभी हम लोगों को देखना है कि कितने आगे तक वो ये जो फ्रेज उन्होंने स्लोगन कह सकते हैं, स्लोगन उन्होंने क्रिएट किया, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि नेपोलियन एक जंगली सुअर है जो कि पावर लेने के लिए ओल्ड मेजर के बाद दम तैयार है। He takes two litters of puppies from their mothers and brings them up himself. Napoleon litters मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है, एनिमल्स के बच्चों को वो ले लेते हैं, उसके बाद में उनको नर्चर करते हैं, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करते हैं वो पपीज को, ठीक है। उसके बाद वंस दे हैव ग्रोन अप ही यूजेस देम टू टेक कंट्रोल ऑफ फार्म। अब क्या करते हैं, जो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं उनको बड़े होते हुए उनके दिमाग को ऐसा सेट कर देते हैं कि वो नेपोलियन के ही बारे में सोचते हैं और उसके लिए ही काम करते हैं। आफ्टर ही हैज डन दिस ही एंड द अदर पिग्स स्टार्ट टू ब्रेक द सेवन कमांडेंट्स दैट द एनिमल्स अग्री टू लिव बाय। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रशियन रेवोल्यूशन में सेवन कमांडेंट्स की वजह से फेमस है, ठीक है। सेवन कमांडेंट्स में ये भी लिखा था कि फोर लेग्स गुड एंड टू लेग्स बैड, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, और नॉट ओनली दैट, सेवन कमांडेंट्स इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो है वो इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के मुद्दे पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नेपोलियन पावर पे आते हैं तो ये इक्वालिटी का नामो निशान नहीं रह जाता, ठीक है। अभी क्या होता है कि वो दे गो अगेंस्ट सेवन कमांडमेंट्स। इक्वालिटी किसी को नहीं मिलती और जो नेपोलियन चाहता है वही करना चाहता है, और इसको हम लोग दूसरे नजरिए से देखें तो वो भी इंसानों की तरह सेल्फिश बन जाते हैं। ही इवेंचुअली बिकम्स एज मच एज ऑफ अ टायरेंट एज मिस्टर जोन्स एवर वाज एंड एक्सप्लॉइट्स द एनिमल्स। तो वो सेवन कमांडेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं और इक्वालिटी को अबॉलिश करके डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। तो नेपोलियन एक डिक्टेटर बन जाते हैं आफ्टर गेनिंग पावर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन किसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेपोलियन जो कि एनिमल फार्म में बोर है, वाइल्ड पिग है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं सोवियत डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन। स्टालिन वाज इन्वॉल्व्ड इन द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 एंड केम टू रूल सोवियत रशिया आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन इन 1924। तो यहाँ पे वही स्टोरी फॉलो हो रही है। ओल्ड मेजर के मरने के बाद नेपोलियन मैनिपुलेट करते हैं बाकी के एनिमल्स को और पावर में आ जाते हैं। ये वही केस है जब जोसेफ स्टालिन पावर में आते हैं व्लादिमीर लेनिन के बाद। ही रूल्ड अंटिल हिज डेथ टिल 1953।
During his time in power, the country was gripped by famine and fear. Millions of people starved to death and those who opposed him were imprisoned or killed. अभी नेपोलियन जो कि जोसेफ स्टेलिन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ड्यूरेशन में कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आई, जिसके लिए एनिमल्स लड़ाई कर रहे थे कि हम लोगों का काम कम होना चाहिए, हम लोगों को प्रॉपर फूड मिलना चाहिए और हम लोगों को एडुकेशन चाहिए. वो सब सपने अधूरे रह जाते हैं एनिमल्स के. उसके टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे कि फैमिन, दैट मीन्स वहाँ पे बारिश नहीं होती, कोई क्रॉप्स नहीं उगते और बिना खाना बिना पीना के उनको रहना पड़ता है. पानी नहीं होने की वजह से फैमिन, ठीक है, जिसको खड़ेरी कहते हैं हिंदी में, वो आ जाती है और वहाँ पे कोई खाना पीना नहीं उगता और सभी लोगों को डर के मारे रहना चाहिए. ये डिक्टेटर बन जाते हैं, ठीक है. नेपोलियन है, नेपोलियन जो है वो डिक्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सभी को फियर में रहना है क्योंकि डिक्टेटर मीन्स सोल पावर, ठीक है. एक इंसान को पूरा पूरा पावर दे देना जो कि लेफ्ट को राइट बोलेगा तो राइट बोलना है और राइट को लेफ्ट बोला तो लेफ्ट बोलना है. दैट मीन्स उसके माइंडसेट से सभी कंट्रीमैन को चलना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग थे जिनको मार डाला गया, मैक्सिमम को इम्प्रिजन किया गया, ठीक है. तो ऐसा रूल हम लोगों ने रशिया में देखा ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन, और उस वक्त जबकि जोसेफ स्टालिन रूल कर रहे थे. The name also evokes the French military leader Napoleon Bonaparte, who lived from 1776 to 1821, who seized power after the French Revolution, crowned himself emperor and ruled France till 1815. यहाँ पे नेपोलियन नाम से हम लोगों को यूरोपियन हिस्ट्री भी याद आ जाता है, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट, इसको नेपोलियन बोनापार्टे भी कहा जाता है, वो पावर को सीज करते हैं, पावर को अपने हाथों में लेते हैं और हर जगह अपनी पावर का मिसयूज करते हैं. तो इसको भी हम लोगों को रिमाइंड कराते हैं क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर थे, ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर एनिमल फार्म में है स्नोबॉल. स्नोबॉल भी एक पिग है, दैट मीन्स एक सुअर है, ठीक है. स्नोबॉल इज वन ऑफ द की पिग्स हु टेक द टीचिंग्स ऑफ ओल्ड मेजर एंड टर्न देम इनटू अ वे ऑफ थिंकिंग कॉल्ड एनिमलिज्म. यहाँ पे स्नोबॉल, नेपोलियन, ओल्ड मेजर, ये सभी को पिग बताया गया है क्योंकि जॉर्ज ऑनवेल ये सोचते हैं कि ये जो भी लीडर्स बने वो दे आर meant to be compared with pig. Okay? Snowball is one of the key pigs who take the teachings of old measure and turn them into a way of thinking called animalism. Jo old measure ne bataya, wo implement kiya Snowball ne. Animalism ko establish karke. He is as intelligent and animated pig. Bahut hi intelligent hai, theek hai, aur animated पिक भी है, दैट मींस जो कि एनिमल्स के बारे में सोचते हैं. ही कम्स अप विद न्यू आइडियाज एंड केयर्स अबाउट द वर्किंग एनिमल्स. वो एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं. उनका आइडियाज न्यू है, जो जरूरत है वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है. वो केयर भी करते हैं वर्किंग एनिमल्स को लेकर. हिज प्लान्स एंड आइडियाज रिवॉल्व अराउंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड बेटर कंडीशन ऑन द फार्म. स्नोबॉल का जो आइडियाज है वो बहुत ही रियलिस्टिक है, वो एडुकेशन प्रोवाइड करने में और जो एनिमल फार्म है उसको बेटर करने में बिलीव करते हैं. ही इज ऑल्सो अ ब्रेव फाइटर ऑर्गेनाइजिंग द एनिमल्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द काउशेड. वो एक ब्रेव फाइटर भी है. नाइटहुड भी हम लोगों को देखने को मिलता है उनमें, क्योंकि जब जरूरत पड़ा वो फाइट भी किए थे. कौन? स्नोबॉल. स्नोबॉल कौन है? पिग है. कहाँ पे? एनिमल फार्म में, ठीक है. नेपोलियन डज नॉट लाइक स्नोबॉल्स आइडियाज एंड सो हैज हिम चेस्ड ऑफ द फार्म बाय हिज गार्ड डॉग्स. ये आपको याद रखना है कि नेपोलियन जेलस फील करता है स्नोबॉल से.
क्योंकि नेपोलियन को डर था कि जो भी रियलिस्टिक आइडियाज हैं स्नोबॉल के, स्नोबॉल जो कि पिग है, नेपोलियन भी पिग है, लेकिन स्नोबॉल के आइडियाज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि स्नोबॉल बिलीव करते हैं एडुकेशन को प्रोवाइड करने में एनिमल्स को, और उनके वे ऑफ लिविंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए बिलीव करते हैं। इसलिए ये फेमस ना हो जाए एनिमल फार्म में, इसलिए नेपोलियन अपना पावर यूज करते हैं और अपने गार्ड डॉग्स की मदद से स्नोबॉल को एनिमल फार्म से भगा देते हैं। वी डू नॉट सी स्नोबॉल आफ्टर दिस इंसिडेंट। अब ये भगाने के बाद, कुत्तों से स्नोबॉल को भगाने के बाद, हम लोग फिर स्नोबॉल को कहीं पे भी नहीं देखते एनिमल फार्म में फिर से। ही इज यूज्ड बाय नेपोलियन एज अ स्केपगोट। एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग ऑन द फार्म इज ब्लेम्ड ऑन हिम। अब नेपोलियन कुछ भी करे और वो गलत हो जाए तो सब ब्लेम वो स्नोबॉल पे डाल देते थे। स्नोबॉल ने ऐसा किया था जिसकी वजह से ये सब हुआ, ठीक है। वो स्केपगोट मतलब बचने के लिए, नेपोलियन बचने के लिए स्नोबॉल को स्केपगोट बनाते हैं, ठीक है। स्केपगोट मतलब बचने के लिए ढाल जैसा इस्तेमाल करना किसी को, ठीक है। नेपोलियन ऑल्सो कन्विंसेस द एनिमल्स दैट स्नोबॉल वॉज नेवर ब्रेव ड्यूरिंग द बैटल एंड वॉज एक्चुअली ऑन मिस्टर जॉन्स साइड। अब उसके भागने के बाद वो आके तो क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता कि मैं इस वजह से भागा हूं या फिर इसने मुझे भगाया। अब वो चला गया, स्नोबॉल भाग गया, उसके बाद में नेपोलियन को जो मन करे वो स्नोबॉल के बारे में बोलते थे और एनिमल्स बिलीव भी करते थे। तो नेपोलियन ने क्या बोला कि स्नोबॉल जो था उसने कभी ब्रेवरी नहीं दिखाई, वो ब्रेव नहीं था, और वो एक्चुअली मिस्टर जॉन्स के साइड में था, दैट मींस ह्यूमंस के साइड में था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो भी यहाँ पे एनिमल्स है वो डेडली अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि उनके माइंड में एक फिट किया कर दिया गया है कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स है वो सभी एनिमल्स के अगेंस्ट में काम करने वाले हैं, उनके फेवर में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नेपोलियन ने सभी को कन्विंस कर दिया कि स्नोबॉल जो थे वो ह्यूमंस के साइड में थे, इसीलिए वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अच्छा ये है कि वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे स्नोबॉल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है। ये भी एक लीडर थे रशियन रिवॉल्यूशन के, तो स्नोबॉल इनको रिप्रेजेंट करते हैं। स्नोबॉल रिप्रेजेंट्स लियोन ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की वाज अ पॉलिटिकल थियोरिस्ट, रिवोल्यूशनरी एंड अ लीडर ऑफ रेड आर्मी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आफ्टर द रिवोल्यूशन ही वॉज इन्वॉल्व इन रशियन फॉरेन अफेयर्स एंड पॉलिसी मेकिंग। तो स्नोबॉल जो है वो एक अच्छे लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने आर्मी में भी काम किया, ठीक है, और पॉलिटिकल थियोरिस्ट भी थे जो कि पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स को देखते थे, और रशियन फॉरेन अफेयर्स में भी वो इन्वॉल्व थे, और पॉलिसी मेकिंग दैट मीन्स जो भी कॉमन पीपल के लिए अच्छा है वो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट उन्होंने दिया। ही अपोज्ड स्टेलिन्स डिसीजंस एंड इवेंचुअली वाज फोर्स्ड टू एक्साइल फ्रॉम सोवियत यूनियन इन 1929। ही रेसाइडेड इन मैक्सिको। सो उन्होंने उनको पनिशमेंट भी मिला क्योंकि वो कॉमन पीपल के लिए काम करते थे। He was assassinated by a Soviet agent in 1940. उनको मार डाला गया, उनको डिकैपिटेट किया गया 1940 में, ठीक है। ट्रॉट्स्की के लिए सुपारी दिया गया सोवियत एजेंट्स को जिन्होंने उनका मर्डर किया, ठीक है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको पॉलिटिशियंस यही करते हैं, जो कि यहाँ पे भी किया गया। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स ही लेफ्ट इन द सोवियत यूनियन वर अरेस्टेड एंड किल्ड। इनके जो भी फैमिली मेंबर्स थे उनको पकड़ के उनको मार डाला। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉक्सर। बॉक्सर कौन है? वो एक हॉर्स है, ठीक है। बॉक्सर इज अ हॉर्स एंड ही इज अ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो मीन्स वो काम तो करते हैं लेकिन उसका अप्रिशिएशन नहीं मिलता, ठीक है। ही इज हार्ड वर्कर, स्ट्रॉन्ग, लॉयल एंड केयरिंग, लेकिन ये सभी क्वालिटीज का कोई यूज वहां पे नहीं है। ही ऑल्सो फाइट्स ब्रेवली अगेंस्ट द ह्यूमंस। अनफॉर्चुनेटली ही इज टू लॉयल,
The pigs take advantage of this and work him until he collapses. ये उनका लॉयल्टी ही है जिसकी वजह से वो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और जो पिग्स हैं, ठीक है, जो लीडर्स बने हुए हैं वो उनका बहुत ही ज्यादा मिसयूज करते हैं, उनसे ज्यादा काम करवाते हैं, उनको जो मन करे करवाते हैं, और वो इतने लॉयल हैं कि वो हर काम परफेक्शन के साथ कंप्लीट करते हैं. कौन? बॉक्सर. कौन है बॉक्सर? अ हॉर्स. ठीक है. देन दे सेल हिम to the horse slaughterer so that they can buy more whiskey. अब हॉर्स जो है वो काम करते 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 थक जाता है, और जब वो काम नहीं कर सकता पिग्स के लिए तो वो इंसान के हाथ में बेच देता है, बुचर के हाथ में बेच देता है, जहां पे उसका उसको मीट करके सेल कर देते हैं. ठीक है. Whenever something goes wrong, he blames himself and vows to work even harder. कुछ भी गलत होता है तो बॉक्सर जो है वो सोचता है कि नहीं, मैंने ही गलत किया, मैंने ही इसको अच्छे से नहीं किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इसलिए अब मैं जो काम करूंगा वो बहुत ही अच्छे से करूंगा, मेहनत लगा के करूंगा ताकि मैं रेक्टिफाई कर सकूं. His favorite sayings are, Napoleon is always right and I will work harder. बॉक्सर का यही कहना है कि नेपोलियन जो है वो हमेशा सही है और मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा. ठीक है. और यही थ्योरी की वजह से उसका डेथ आता है. ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन पीपल को जो कि अपने लीडर पे जरूरत से ज्यादा बिलीव करते हैं और इवेंचुअली आखिरकार वो मरने के कगार पे आ जाते हैं. तो यहां से हमको सीखना चाहिए कि बिलीव भी उतना ही करो जितना की जरूरत है. जरूरत से ज्यादा बिलीव करेंगे तो धोखाधड़ी होना लाजमी है. He is the strongest animal and could easily fight off the pigs and dogs. अकेला बॉक्सर में ये कैलिबर है कि वो सभी पिग्स और डॉग्स को भगा सके या लड़ाई कर सके उससे. He never does though. As he is too used to taking orders. लेकिन वो अपने पावर्स को यूज नहीं करते क्योंकि उनको आदत हो गया है. बॉक्सर जो कि हॉर्स है उसको आदत हो गया है दूसरे के ऑर्डर्स को लेना और उसको पूरा करना. ये दिखाता है पेजेंट्स को, ठीक है, वर्किंग क्लास पेजेंट्स को जो कि रशिया में थे. इनके पास पूरा पावर था लेकिन उनको आदत हो गई थी ऑर्डर्स लेने की, जिसकी वजह से वो कुछ और चेंजेस के बारे में सोच ही नहीं सकते थे. तो बॉक्सर रिप्रेजेंट करता है रशिया के पेजेंट्स को, ठीक है. दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द सार निकोलस टू हु रूल्ड फ्रॉम 1894 अंटिल हिज एक्सपल्शन इन 1917 ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन. ओके. सो ये कॉमन पेजेंट्स जो है उनको बहुत ही एक्सप्लॉइट किया सार निकोलस टू ने, और तब तक किया काफी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेशन के लिए उन्होंने काम किया, ठीक है, मतलब रूल किया. काम तो क्या किया, कॉमनर्स के लिए रूल किया, ठीक है, और तब तक वो रूल करते रहे जब तक कि कॉमन पीपल ने उनको भगा के बाहर नहीं कर दिया. द वर्कर्स वर केप्ट इन अ पोजीशन वेयर दे नेवर अर्नड इनफ मनी टू पे फॉर फूड एंड accommodation. उनका कंडीशन कभी भी अपलिफ्ट करने का किसी ने नहीं सोचा. सभी लोग चाहते थे कि पोजीशन अच्छा हो, लेकिन उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वो खा सके अच्छे से और अच्छे से रह सके. उनकी उनकी पूरी जिंदगी इसी में लग गई कि क्या खाए और कहाँ रहे, जो कि हमेशा हर नेता का मोटिव होता है, क्योंकि वो सेल्फ सफिशियंट नहीं बनाना चाहते कॉमन पीपल को, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो उनकी जरूरत क्या है, नेता लोगों के पीछे कौन दौड़ेगा, ठीक है. इसलिए कॉमन पीपल को वो गरीब ही रखते हैं ताकि वो कुछ दे दे, जैसे दो चार पैसे दे दे ताकि उनके पीछे दुम हिलाते हुए भागते रहे. तो यहाँ पे भी वही केस है. द रेवोल्यूशन ऑफ 1917 सॉट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम but only led to more hardship and starvation under the rule of Stalin. यहाँ पे Russian Revolution जो है वो इसलिए किया गया था ताकि उनको betterment मिल सके.
पहले के सिचुएशन से अच्छा सिचुएशन कोई लीडर दे सके, लेकिन ये जो है हार्डशिप बहुत ही पड़ गया और स्टार्वेशन, भूखमरी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई स्टेलिन के रूल में। अब आते हैं मिस्टर जोन्स के कैरेक्टर में। मिस्टर जोन्स जो कि ह्यूमन है, ठीक है, यानी कि इंसान है। मिस्टर जोन इट हैज कम फ्रॉम द 1954 फिल्म। मिस्टर जॉन इज द ओनर ऑफ मैनर फार्म, ठीक है, जो कि एनिमल फार्म है। ही नेग्लेक्ट्स द एनिमल्स, स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्रिंकिंग एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड नॉट फीडिंग देम, ठीक है। उनका काम, जब ओनर है वो फार्म का, तो उनका काम है ना कि फार्म में जो भी एनिमल्स है उनका केयर करे, उनको खाना दे, उनकी तकलीफों को देखे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपने में ही मशगूल है, वो पीते हैं और पढ़ते हैं बस, और कोई काम उनका नहीं है। He is taken by surprise by the animals when they fight back against him and his men, so much so that he is thrown off the farm. तो ये दिखाता है रशियन रेवोल्यूशन को, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन जो फाइट बैक यहाँ पे दिखाया है वो कि रशियन रेवोल्यूशन को दिखाता है। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन है उसको थ्रोन से हटा दिया जाता है, लेकिन ये एक सरप्राइजिंग इवेंट था क्योंकि इतना पावर कैसे गैदर किया कॉमनर्स ने, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग सिचुएशन है। He tries twice to take back the farm, but both attempts fail. Mr. Jones फिर से दो बार कोशिश करते हैं कि फार्म में आए और एनिमल्स को गवर्न करें, लेकिन इसमें वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। He ends up dying in a home for alcoholics. वो आखिरकार मर जाते हैं मिस्टर जोन्स, ठीक है, वहां पे मरते हैं जहां पे कि एल्कोहल्स की बिक्री होती है। मिस्टर जोन्स कुड बी लाइकंड टू जार निकोलस टू। मिस्टर जोन्स को कंपेयर किया जा सकता है जार निकोलस टू, जिन्होंने बहुत, जो कि बहुत ही टायरेंट रूलर थे। जोन्स इज द रीजन फॉर द रिबेलियन इन द सेम वे जार निकोलस टू वॉज इन सिंपल टर्म्स द कॉज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। सो ये तो बहुत ही ईजी है समझना, जार निकोलस टू को रिप्रेजेंट करते हैं जॉन्स इन द एनिमल फार्म। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्क्विलर इन नेपोलियंस स्पोक, जो कि नेपोलियंस स्पोक पर्सन है, जो कि नेपोलियन के लिए काम करते हैं, उनके विचारों को वो कॉमन पीपल के पास पहुंचाते हैं। स्क्विलर इज अनदर ऑफ द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पिग्स। अब यहाँ पे बहुत सारे पिग्स हैं, नेपोलियन, स्नोबॉल, स्क्विलर, ठीक है। बक्सर क्या है? बक्सर हॉर्स है, ठीक है। तो स्क्विलर जो कि दूसरे पिग है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाइक स्नोबॉल ही इज क्लेवर एंड अ गुड स्पीकर एंड इज एक्सलेंट एट परसुएडिंग अदर एनिमल्स। स्नोबॉल की क्वालिटी क्या, सॉरी, स्नोबॉल जैसे ही वो इंटेलिजेंट है, कौन? स्क्विलर, ठीक है, और मैनिपुलेट करना उन्होंने सीखा है, और कॉमन पीपल को अपनी ओर कैसे करना है ये क्वालिटी स्क्विलर में कूट कूट के भरी हुई है। He ends up being Napoleon's spokesperson. He delivers his orders, explains his choices, and tells lies to support Napoleon. ठीक है, तो वो सभी काम करते हैं जिससे कि नेपोलियन को बेनिफिट हो। वो कॉमन पीपल के फेवर में नहीं है बल्कि नेपोलियन के फेवर में है, कौन? स्क्विलर। ओके, He delivers propaganda to the other animals. It is also hinted that the reports that he reports back to Napoleon, but what the other animals say about what the other animals say. जो चुगली होती है animals के बीच में, ठीक है, leaders के against में, वो सब जाके Napoleon को report करता था squealer. तो common language में हम चमचागिरी कहते हैं, ठीक है। Now next character is Benjamin, जो कि एक donkey है। He is a pessimistic donkey. Pessimistic means जो positive कभी नहीं सोचता है। तो Benjamin एक negative minded गधा है। Benjamin is an old and pessimistic donkey.
No one on the farm knows exactly how old he is, but it is hinted that he has been around for a very long time. ये बेंजामिन डोंकी जो है वो कितने सालों से उस फार्म में है कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम तक वहां पे रह चुके हैं ये इतना श्योर है. He is never enthusiastic when things go well for the animals. Likewise, he is never surprised or upset when things go wrong. बेंजामिन जो है जो अच्छी अच्छे अच्छा वक्त आता है एनिमल्स का तब भी बहुत खुश नहीं होते, और जब गलत चीजें होने लगती है एनिमल्स के साथ तब भी वो अपसेट नहीं होते. ही ऑफन गिव्स फेक आंसर्स, ठीक है, वेग आंसर्स जो कि रिलेटेबल नहीं है. जैसे सबको खुश है, सभी और खुशहाली है, तो खुशी का आंसर उसको देना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि ये खुशी जो है वो टेम्पररी है. सम माइट से दैट ही इज अ रियलिस्ट, दैट्स राइट. जब हम लोग को अच्छा चीजें मिलता है या हमारे सिचुएशंस अच्छी अच्छी चीजों में हमारे सिचुएशंस अच्छे होते हैं तब हम लोग को बहुत खुश होना नहीं है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता, हर समय चेंज होते रहता है. इसलिए दुख में दुखी नहीं हो, सुख में ज्यादा कूदने की भी जरूरत नहीं है. तो अगर हम लोग ऐसा अपनी विचारधारा रखें तो हम लोग दुख कम होगा हम लोगों को. ही इज क्लोज फ्रेंड्स विद बॉक्सर एंड प्लान्स टू स्पेंड हिज रिटायरमेंट विद हिम. बॉक्सर के साथ जो कि हॉर्स है, आप लोग मालूम है ना, हॉर्स जो कि बहुत काम करता है, नेपोलियन को बहुत मानता है, वो उसके साथ में बेंजामिन रहना चाहता है. कब? जब वो रिटायर हो जाएगा तब, क्योंकि हॉर्स बॉक्सर जो है वो बहुत ही रिलायबल फ्रेंड है. ही कॉल्स ऑल द अदर एनिमल्स टू हेल्प व्हेन बॉक्सर इज बीइंग टेकन अवे बाय द हॉर्स स्लॉटरर, ठीक है. जब हॉर्स को काटने वाला, ठीक है, काट के बेचने वाला बॉक्सर को ले जाता है, जबकि उसके मालिक उसको बेच देते, सॉरी नेपोलियन उसको बेच देता है, तब बचाने के लिए आता है बेंजामिन बॉक्सर को, ठीक है. तो यही सब है जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, और माइनर कैरेक्टर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अब हम लोग देखते हैं माइनर कैरेक्टर्स. माइनर कैरेक्टर में फर्स्ट है क्लोवर. क्लोवर कौन है? द मदर फिगर ऑफ द फार्म, अ काइंड एंड केयरिंग हॉर्स दैट सीज द फॉल्ट्स इन नेपोलियंस रूल बट लाइक बॉक्सर लैक्स द वर्ड्स टू एक्सप्रेस हरसेल्फ. ये एक बुढ़िया है, ठीक है, जो कि एनिमल फार्म में क्या हो रहा है, कौन इसके अच्छे के बारे में सोच रहा है, बुरे के बारे में सोच रहा है, वो सब देखती है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ठीक है. और ऐसे इंसान लोग भी हम लोगों की कम्युनिटी में है जो कि गलत होते हुए देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते. नेक्स्ट है डॉग्स. देर आर गुड डॉग्स लाइक ब्लू बेल, जेसी, पीचो, ओके. देन देर आर नेपोलियंस डॉग्स दैट ही यूजेस टू पुलिस द फार्म. दे रिप्रेजेंट द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पुलिस. जो डॉग्स हैं, ये जो तीन डॉग्स हैं वो अच्छे डॉग्स हैं, ठीक है, जो कि सभी के बारे में सोचते हैं. और जो डॉग्स एनिमल्स सॉरी नेपोलियन ने रखा है गार्ड करने के लिए, वो एक क्या कहते हैं उसको, जासूस की तरह काम करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हर पॉलिटिशियंस के पास होता है, ठीक है, और सीक्रेटली बहुत सारे काम होता है. द हेंस दे ब्रेवली प्रोटेस्ट अबाउट देयर एग्स बीइंग टेकन. जो हेंस है वो कॉमन पीपल को ही रिप्रेजेंट करते हैं जो कि जानते हैं कि उन लोगों का जो प्रोडक्ट है, जो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, वो स्नैच अवे हो रही है, वो उनके छीना जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इनको अच्छे से दबोचा जा सकता है, क्योंकि नेपोलियन पावरफुल है, ठीक है, एंड सो आर अदर लीडर्स. बाकी लीडर्स जो है वो भी बहुत ही पावरफुल है. नेक्स्ट कैरेक्टर है मोली. मोली है अ हॉर्स दैट इज हैप्पी टू बी रूल्ड बाय ह्यूमंस. मोली जो है वो एक हॉर्स है जो कि बहुत खुश है ह्यूमन से रूल होते हुए. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लीडर चेंज हो रहा है, वो एनिमल से है या फिर ह्यूमन से है. नेक्स्ट कैरेक्टर है मोसेस.
जो कि जोन्स पेट रैवन है, ऑल्सो अ प्रीचर। जो जोन्स है, मिस्टर जोन्स, जो कि एनिमल फार्म का ऑनर है, उसका पेट है, पेट रैवन है। ठीक है, रैवन मतलब एक चिड़िया। ठीक है, चिड़िया जो कि बहुत लेक्चर देता है, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये सीआईडी ऑफिसर का भी काम करता है। ठीक है, द यंग पिग्स, नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर यंग पिग्स, दे स्पीक आउट अगेंस्ट नेपोलियन एंड आर एग्जीक्यूटेड एज अ रिजल्ट। ये जो यंग पिग्स हैं, ठीक है, अभी अभी जन्म लिए हुए पिग्स, ठीक है, वो जानते हैं कि नेपोलियन उसके लिए अच्छा नहीं कर रहा, इसकी वजह से वो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, लेकिन उन सबको मार डाला जाता है। ठीक है, द शिप, दे इंटरप्ट डिबेट ऑन द फार्म विथ चांस ऑफ फोर लेग्स गुड एंड टू लेग्स बैड। ये तो सिखाया गया था नेपोलियन ने, सिखाया था नेपोलियन ने। ठीक है, तो उसी को रिपीट करते हैं ताकि बाकी लोग कुछ नहीं बोल सके। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन नेपोलियन राइज टू पावर। ये जो शिप है वो बोलने नहीं देते बाकी लीडर्स को, इसकी वजह से नेपोलियन का पावर बढ़ते जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है मिस्टर पिलकिंटन। मिस्टर पिलकिंटन कौन है? एन इजी गोइंग जेंटलमैन फार्मर हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम हंटिंग। नाउ इसमें कुछ ह्यूमंस ऐसे भी हैं जो कि अपने दुनिया में मस्त हैं, उसको कोई फर्क नहीं है कि कौन लीडर चेंज हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। नेक्स्ट है मिस्टर फेडरिक, अ टफ फार्मर हु फाइट्स टू गेट व्हाट ही वांट्स। ये फेडरिक जो है वो पिलकिंटन के टोटली ऑपोजिट है। पिलकिंटन को कोई मतलब नहीं है कौन पावर में है नहीं है, और फेडरिक को लड़ाई करना है उसके अपने राइट्स के लिए, मुझे ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, मुझे दो। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर है मिस्टर विम्पर। मिस्टर विम्पर है अ लॉयर दैट द पिग्स हायर। ठीक है, एक लॉयर है जो कि पिग्स हायर करते हैं उनका केस लड़ने के लिए। तो यही मेन कैरेक्टर्स एंड माइनर कैरेक्टर्स हैं। आई होप आप लोगों को मैक्सिमम समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने समझा नॉवल किस चीज़ के बारे में है, कैरेक्टर्स डिटेल्स के बारे में। अब हम लोग समरी और उसके रेलिवेंस पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी विथ अस। थैंक यू।